जी क्या है इस मौलागंज, मौलागंज का इलाका है। समस्या यही है कि देखिए हमको पास ना पानी का साधन है ना कुछ का साधन है। क्यों पानी का साधन क्यों नहीं है? ये बिल्कुल विष्णुपद के आसपास का इलाका है। आपने अप्लाई किया है कि हमको पानी दिया जाए? अप्लाई तो दो तीन बार हुआ है, बाकी नहीं हुआ था। होता ही नहीं है। वार्ड पार्षद जो पहले थे उनको बताया था आपने? ये भी है कि कार्ड दो बार हम तीन बार फार्म भरे, गरीब आदमी है, हमको नहीं मिला जी, नहीं कार्ड राशन कार्ड ये सब नहीं बना है जी। अभी मांगने गए तो कुछ बोले। और जब आप बोलिए, आज तक बनवे नहीं क्या, मेरा कार्ड ही नहीं। क्या आपने पिछले जो वार्ड पार्षद है उनसे कहा? हाँ हम बोलने गए थे तो फिर क्या, मेरा कार्ड नहीं बना, मेरा कार्ड जो पर साल बन रहे हैं उसे कटवा दे भाई, तो बोले कि पर साल वाला आदमी सब तो मर गए बाबा बोलते हैं। क्या कहा उन्होंने फिर से बोली? मैंने पर साल का आदमी सब तो अथी हो गया, पर साल का आदमी मर गया, इस साल का बात थी। आपने सुना एक वार्ड पार्षद का जवान किस कदर चला कि जनता को उन्होंने कहा कि पिछले साल जो लोग अप्लाई किए हैं वो मर गए हैं। तो ये है वार्ड पार्षद, कई ऐसे इलाके मिले हैं जहां वार्ड पार्षद ने शायद लगता है ऐसा कि वो संवैधानिक जो ढांचा है, जो दायरा है, उससे आगे बढ़कर भी लोगों ने काम किया है, क्योंकि इनका जनता का स्टेटमेंट है जिसे हम इनकार नहीं कर सकते। अगर उन्होंने बोला होगा तभी उन्होंने ये बातें कही है। आपका जो समस्या है वो बोलिए जी। आइए सर, क्या क्या समस्या है बोलिए। वार्ड में क्या समस्या है सर? कुछ नहीं सर, समस्या सब ठीक है, कोई समस्या नहीं। पानी मिलती है? सप्लाई नहीं आ रहा है। आपका नहीं है तो नहीं किया हुआ है। तो आपने वार्ड पार्षद को बताया कि आपको पानी नहीं मिल रहा? नहीं बोल रहा। अच्छी बात है। चलिए, तो इन्होंने जब कहा ही नहीं है तो इनको इनकी समस्या है, पानी नहीं है। इनको पानी नहीं चाहिए तो जी। कुछ लोग हैं यहाँ जिन्होंने अपनी समस्या को आगे बढ़ाया ही नहीं है, तो ऐसी अवस्था में समस्या का निराकरण हो जाए बिल्कुल बेमानी सी दिखती है। मौलागंज की गलियों में बिहार न्यूज़ .info लोगों से बातचीत करते हुए, उनकी समस्याओं को जानते हुए, जहाँ तहाँ आप देख सकते हैं कि जो कवर है, नालियों के कवर, वो यूं ही रख दिए गए हैं, जो ठोकर के रूप में दिख रहा है। रात के समय जब यहाँ पे लाइट नहीं रहती होगी तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कैसे लोग सुरक्षित अपनी यात्रा कर सकते हैं या अपने घरों को जा सकते हैं। आइए